आपको पैंट छुड़ाने का तरीका दिखाते हैं कि पैंट किस तरीके से छुड़ाना चाहिए दरवाजे का। जैसे हमें दरवाज़ा प्लान करके सनमाई का लगानी हो पुराने दरवाज़ों की, तो उसके बारे में हम आपको समझाएंगे पैंट रूमर से छुटाने में कितना फ़ायदा, और बाकी जैसे हम दूसरे तरीके से छुड़ाते हैं रेंगवाल से, तो उसका भी तरीका दिखाएंगे आपको। हम आपको दिखाते हैं पैंट रूमर। पैंट रूमर की MRP मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो 190 रुपये की MRP है। अब कम से कम 2-3 दरवाजे हो जाते हैं रेंगवाल से, एक रेंगवाल के पत्ते से। ये रेंगवाल का पत्ता है, ये देखो, इससे अगर हम छुटाते हैं तो 2-3 दरवाजे हम मैक्सिमम कर सकते हैं। और एक दरवाज़ा करने के लिए पेंट रूमर कम से कम 1.5 लीटर लग जाता है, तो उसमें हमें नुकसान है। ये 10 रुपये का पत्ता मिलता है, मार्केट से अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हो आप, हार्डवेयर की दुकान से ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको पेंट रूमर से छुटाने का तरीका दिखाता हूँ, पहले छुटाओ। इससे देखो देखो कितना टाइम लगता है, टाइम भी आपका वेस्ट होता है इसमें, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जितना इसमें टाइम एक दरवाजे के पेंट छुड़ाने में लगेगा हम पेंट रूमर से, उतने में हमारे कम से कम 5-6 दरवाजे एक मास हम छुटा सकते हैं। ये एक दरवाज़ा भी नहीं छुटेगा पेंट रूमर से। इसको खुलाने में भी टाइम लगता है पेंट रूमर से, ताकि जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमारे क्योंकि हमें रेंगवाल नहीं लग सकता, ग्राइंडर चल नहीं सकता, जैसे तंग जगह है इसलिए, तो वहाँ पे पेंट रूमर यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो जैसे खुली जगह है तो वो तो बेवकूफ़ी है यूज़ करना फिर उसको, तो क्योंकि पैसे ही ज़्यादा लग रहा है इसमें। छुटाओ, इससे इतना क्लियर भी नहीं छूटता, तो इसलिए छुटाना पड़ता है। जैसे हमें पॉलिश उलिस करनी है दरवाजे पे, क्योंकि पॉलिश के लिए रेसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे छुटाना पड़ता है पेंट रूमर से। एक बार इससे दिखाना ग्लैंडर छुड़ा के रेगमाल से, ये रहने दो आप। इससे गंदी फैलता है, नहीं रहने दो, उससे रहने दो, देख माल से छुड़ा के देखो। देख माल दिखा दो, घुमा के देखो, ये आपका इसको लगाओ, वो पुराना हो गया, इसको लगाओ, ठीक है। इसमें हम आपको पूरा ये दरवाजा दिखाएंगे किस तरीके से क्लीन हो जाएगा। ये कारपेंटर के लिए फायदे की चीज है, देखो और किस तरीके से करो काम, लेबर की बचत और मटेरियल की बचत।
है।